और बिग बॉस पूछ रहा कितना पेग लेके बैठे बिग बॉस, रात को नशा में है, वो बिग बॉस को नशा देख नहीं सकते हैं कि उसको स्टाइलिश बता दिया अरमान मालिक को स्टाइलिश का वोट दिया है। भैया किस एंगल में स्टाइलिश है, दिस इज अ सीरियस मैटर, ये बिग बॉस पागल हो चुके हैं। पहला अरमान कोई दुध को दुध लाया क्या? जो रिसेंटली आई थिंक कल या परसों वाला जो एक आर्ग्यूमेंट हुआ था सना और साई का, वो कुत्ते वाला जो उन्होंने पॉइंट बोला कि डू यू फाइंड दैट वाज थोड़ा उन पे टारगेट हुआ था पर्सनली सना पे? I feel that it was targeted. See, Sai has to also understand कि झुंड में मत खेलो, अकेले खेलो. साई आई थिंक जून में चले गए, वो अरमान को अपना गुरु मान बैठे हैं ऐसा ही लग रहा है। जो अरमान अरमान को गुरु ने मानना है, अरमान को गुरु मानना है. ओके, जो अरमान अरमान बोल को रहे गुरु हैं वो मानना है, उसमें पहली हाँ में हाँ बोलते जा रहे हैं। बात है. अरमान से घर से अरमान को बोलो भैया तू पहला घर जा, भी तू तू बीवी के साथ में चल जा. मतलब है, बहुत हो गया. किसी के ये बंदे ने किसी को मारा है. और बिग बॉस पूछ रहा कितना पेग लेके बैठे बिग बॉस, रात को नशा में है, वो बिग बॉस को नशा देख नहीं सकते हैं कि किसी को मारा है उसने. और बिग बॉस ने उसका, बिग बॉस ने खुद थूका उसको कॉन्ट्रैक्ट पे. कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा है कि आप नहीं मार सकते हो, आप बाहर की बात नहीं कर सकते. अब अदनान आए अंदर, अदनान के साथ वो बिग बॉस गुस्से में क्यों है कि बाहर के बात लिखा है, जब आप खुद कॉन्ट्रैक्ट की प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, जब आप खुद कॉन्ट्रैक्ट की इज्जत नहीं कर रहे हो, एग्जैक्टली तो आप क्या चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर के आके करें? इतना 17 सीजन 18 सीजन हुआ है बिग बॉस में, किसने से थप्पड़ नहीं मारा है किसी को, और धक्का दुखी हुई है. पर ऐसा ये जो हुआ है, डायरेक्टली नेवर। ये जो किया है आदमी ने, बिग बॉस ने कैसे इतना आवाज नहीं उठाई विकी के बारे में, और उसने क्यों नहीं निकाला? बिग बॉस की क्रेडिबिलिटी, उसकी इज्जत पानी में निकल गई इसकी वजह से, कि तुम लोग क्या टुकड़ पट कर रहे हो शो के अंदर, और क्या अलाव कर रहे हो सिर्फ टीआरपीस के चक्कर में. भैया आई थिंक जब विशाल के पेरेंट्स भी आए और उन्होंने जब समझाया, तब अरमान वॉज लाइक कि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, वो अपने बेटे को मोटिवेट करने के लिए आए इसलिए वो सब हाँ हो रहा है। उस समय भी अच्छा, अरमान बहुत कॉन्फिडेंस थे, वो कृतिका ऑल्सो। पहला अरमान कोई दुध का दुल्ला है क्या? अरमान बहुत दुध का दुल्ला है ना भाई, उसने तो कुछ कुछ गलती की है लाइफ में. वो तो मतलब बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. वो तो मतलब मैं तो बोलता पूरा देश उसको आइडलाइज करो, इतना साफ सुथरा इंसान क्या वो, जो खुद गलती लेके आए घर में, जो खुद गलती कर रहे हैं वो घर में, वो नहीं दिखता उसको वो जो क्या गलती करके आया, वो कोई आवाज उठा रहे इस बात. और दूसरी बात, विशाल ने क्या गलत बोला? तेरे बीवी को सुंदर बोला है. तो जब आप सिनेमा में जाते हो, कचरे के को देखते हो बाहर, वो तो बड़ी हॉट है यार. और जब आप लड़के लड़की बोलते ये बड़ा सुंदर है, और जब आप शादी में जाते हो, शायद आपके मम्मी पापा बोलते भैया ये बहुत सुंदर लड़का है, जाके रिश्ता पूछो उसके लिए. क्या आपकी माँ गलत है क्या? किसी ने किसी को सुंदर बोला है, इसमें गलती लगा, गलती उसकी है कि उसने मारा है. और बिग बॉस के से अंधे हुए बात पे, बिग बॉस के पक्ष से बंद हुए काम, मुझे ये तक समझ नहीं आ रहा. मुझे अभी तक इतने गुस्से में हूं बिग बॉस के साथ कि बिग बॉस इतना प्रवचन करते हैं, ये बोलते हैं कि हम लोग बहुत फेयर है, आज हिप्रोक्रेट सबके, तो बिग बॉस निकले क्या आई थिंक ये बोल निकले के बाद सकता आई थिंक आगे भी अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे तभी भी फेवरिज्म होगा। आई फील नो ये हूं. क्लियर। मैं सोचता हूं कि चाकू लेकर मर्डर करेंगे तब ये बात निकालेंगे क्या? तब ये होगा क्या? ये इतना सीरियस मैटर, ये बिग बॉस पागल हो चुके हैं, मैं बता रहा हूँ सच में, ये बहुत सीरियस मैटर. लाइव टेलीविजन में किसी को थप्पड़ मार रहे हैं और बिग बॉस ने कहते नहीं, बिग बॉस पागल हो गए क्या? आप क्या चाहते हो कि इतना बड़े सेलिब्रिटीज क्यों आएंगे शो में? मैं ट्रू गुस्से में हूँ बिग बॉस के साथ कि हमारा सीजन में तुम लोगों ने एक दो तीन चार को निकाले, धक्का तो कोई दुखी में. और आपके हिसाब से क्योंकि सिम्बा आपका को, शो है, आप जो भी कर सकते हो. सिम्बा को इसी इसमें निकाला गया था एक छोटे से धक्के को उमर में लेकर। उमर को निकाला, अफसाना ने कुछ, अफसाना ने मेरे साथ पंगा किया था, मतलब हमारी लड़ाई हुई, पर उसने किसी को मारा नहीं है, मारा उसको निकाला गया है. और कुशा टंडे को निकाला गया है, कितने यस लोगों को निकाला गया है यार? मतलब ये बिग बॉस के लास्ट अपने सीजन में भी अपने हवा थेलका में को पता नहीं क्या निकाल करते दिया हैं गया था। क्या. हाँ लास्ट सीजन थेलका को भी निकाल दिया गया था, जो अभिषेक के साथ उसका तो इंसिडेंट हुआ क्यों था। निकाला गया फिर बिग बॉस ना? अपना ढूंढो तांडव करते वो लोग, मतलब उसको लगता है कि हम ही सही है, हम जो बोलेंगे. अच्छा, अरमान कोई बहुत बड़ा एसेट नहीं है शो के लिए, होगा और शो क्यों नहीं है, शो किसको फर्क ही नहीं पड़ने वाला है. पर मैं गुस्से में इसकी वजह से, कोई ये बंदे का घमंड नहीं जा रहे हैं कि तुमने किसको मारा है, माफी पहले माफी मांगो. आप कोई नहीं हो तो किसको हाथ पे, आपका देखो आपने कितना गलती किया लोगों के साथ, और तुम क्या दिखाना चाहते हो पूरा देश को, फिर सबके ऊपर पकड़ो भैया.
सॉरी मैं बहुत पैशनेट हूँ बिग बॉस के लेके, एंड मैं मुंह पे बोलते मैं बिग बॉस से बहुत नाराज बिग बॉस के साथ कि हमारे टाइम इतना बड़ा प्रवचन करते थे वो अच्छाई के लिए, बार की बात मत करो, ये करो, आप क्या अंधे थे बिग बॉस? मतलब दो तीन पे बैठ के मतलब नशा में हो गया क्या वो? डू यू फील अरमान गेट जेलस बिकॉज ऑफ सना मकबूल स्ट्रॉन्ग स्टैंड? उन्हें काफी ही कंपटीशन लगती है सना मकबूल, वो हमेशा सना को टारगेट करते रहते हैं। अरमान और सना की कोई वो कंपैरिजन ही नहीं है। अरमान थिंक्स, पहली बात है भैया मुझे सबको घर के अंदर मुझे चश्मा भेजना है सबको, और बहुत हाई पावर वाला, कि उसको स्टाइलिश बता दिया अरमान मालिक को, स्टाइलिश का अवार्ड दिया है भैया, किस एंगल में स्टाइलिश है? चूहा घर में आते वो ज्यादा स्टाइलिश है, मतलब इसको स्टाइलिश अवार्ड मिला तो ऑब्वियसली सना तो गुस्से हो गए भैया ये स्टाइलिश, जी मतलब सना मकबूल को देखो, किसी और ये और सना स्ट्रक्चर सुल्तान को देखो, विशाल पांडे को देखो, ये लोग को कितना चीज लो, और मान को स्टाइलिश वोट दे दिया भैया, बहुत फेवरेटिज्म हो रहा है, मैं ट्रॉफी दे दो हाथ में, खत्म करो शो, और क्या बोलूं। राजीव, लास्टली मैं ये जानना चाहूंगी, कल अदनान भी आए और उन्होंने बोला कि सना यूज कर रही है नेजी को दोस्ती को लेकर, वो काफी बार बोलते भी और घर के काफी लोगों को भी लगता है, तो इस पे आपका क्या कहना है? See, you have to understand one thing. जो emotion और प्यार नेजी सना को दिखा रहा है, सना वो reciprocate नहीं कर रही है वो, because सना doesn't like him like that. नेजी शायद वो they just friends, okay? They just friends. नेजी शायद उसके दिल में कुछ हो रहा है, मुझे पता नहीं, पूछना पड़ेगा, मुझे पता नहीं, पर जो लोग सब बोल रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं. तो जब लड़की थोड़ा हट के बात करती है कि कुछ करती है, इसका मतलब नहीं वो यूज कर रही है, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही है कि मैं ज्यादा ना करूं कि उसको ये ना लगे, और मैं कम ना करूं कि ये ना लगे, तो इसमें बुराई क्या है? वो यूज करने की क्या बात है? ओ भैया सना मकबूल किसको क्यों यूज करे भैया? सना मकबूल पहले दिन से उसके नाम आ रहे हैं, बुरा वक्त में उसका नाम आ रहा है, अच्छा वक्त में उसका नाम आ रहा है, ना कोई उसको ना कोई उसको बोलते कि ये बोलो वो बोला, वो खुद बोलती जो अपने बोलते, इनफैक्ट लोग उसकी एडवाइस लेने के लिए आते हैं सना के पास, तो मतलब ये मुझे समझ है तो वो और किसको ये यूज भी कहा करे? जाता है कि वो कटारिया और विशाल के साथ इसलिए क्योंकि जस्ट उनके फॉलोअर्स अच्छे हैं, उनके नंबर्स अच्छे हैं। भैया फॉलोअर्स क्यों है भैया? सना के पास खुद फॉलोअर्स है, 7 लाख ऊपर गया है, उसका एंगेजमेंट कितना स्ट्रॉन्ग हो गया किसी का? भैया ये है ना, ये फॉलोअर्स और एंगेजमेंट के लिए क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। बिग बॉस के बिग बॉस है, एंड सना सबको एडवाइस देती रहती है, उसका ओपिनियन ये राय देती है, ये उसका हक है कंटेस्टेंट्स के नाते, पर वो बंदूक लेके थोड़ी खड़ी है सबके सामने कि यही करना पड़ेगा आप लोग, वो जीतेगी, मतलब मैं चाहता हूँ ऐसी लड़की जीते, और बिग बॉस को दिखाना चाहे कि ऐसी लड़की जीत सकती है भैया। तारीफ, एक और चीज पूछना चाहूंगी, आपने भी कई सारे कंटेस्टेंट्स देखे हैं घर में जो देसी है, जो काफी ही अपने अंदाज में रहते हैं, वही ये सीजन में भी शिवानी है जो काफी देसी है, उसे घर वाले काफी ही नो साइड लाइन करने की कोशिश करते हैं या फिर उससे कहते हैं कि वो बदतमीज है, कई सारे उसको टैक्स मिला है, क्या कहना जो चाहेंगे? रवि उसकी किशन ने आवाज बोला को है, लेकर भी काफी कुछ बोला जाता है। लास्ट वीकेंड के बाद में स्पेशली रवि किशन आए और उन्होंने उनको समझाया कि टोन योर वॉल्यूम एंड ऑल, क्या कहना चाहोगे इस पे? रवि किशन क्यों आए पहले घर में ये बोला कि मुझे समझ नहीं आता, वो बोलते कि बिहारी के गांव के लड़की ऐसे नहीं बिहेव करते, गांव के लड़की ऐसे बात नहीं करते, मतलब गांव के लड़की का मतलब क्या है? गांव की लड़की तो शेर के लड़की अलग है क्या? लड़की 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 होते हैं, लड़का लड़का होता है। आप ये जो इंसेंटिव बिग बॉस करना चाहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता। गांव के लड़के की क्या मतलब है कि इतनी अमीर नहीं है, मतलब अमीर भी होगी लाइफ में होगा, ये ना ये जो शब्द इस्तेमाल यूज करते बिग बॉस मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये सब मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये डेरोगेटरी स्टेटमेंट लड़की को मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पहली बार। दूसरी बात, हाँ मेरे लिए तो एक मनीषा रानी है जो मैं बहुत प्यार करता हूँ उसको, बट बिग बॉस की गलती है कि हमेशा एक सेम कैरेक्टर लेके आना चाहते हैं हर साल कॉपी करके, पर शिवानी कॉपी नहीं करते, चलो वो गांव से जो वो सिटी के जो ऐसे बोलते हैं वो भाषा, बट आई थिंक इतना बुरी नहीं है, स्वीट गर्ल है। देखो अरमान मालिक से ज्यादा और दीपक चौरसिया के ज्यादा तो वो अच्छा कर रही है, सबसे वो ज्यादा एंटरटेन वही कर रही है फिलहाल घर पे। शी डूइंग वेल, सना सी आई फील दैट शी नॉट अ बैड पर्सन, शी डूइंग वेल, शी एफर्ट तो डाल रही है और क्या। फाइनली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस, फॉर द सना फैंस, टू ऑल द सना फैंस, देखो मेरी प्यारी दोस्त है, प्लीज उसको थोड़ा वोट करो और सपोर्ट करो,
और प्लीज डोंट लिसन टू दिस वीकेंड का वार नॉनसेंस अबाउट हर बीइंग फेक एंड ऑल दैट, जो बकवास है. मैं जानता हूं, मैं 17 साल का दोस्त हूँ जो उसके साथ 17 साल बिताए हैं, उसको पूछो ना, जो 4 हफ्ते के लोग उसके साथ, क्या सुन रहा तुम लोग, राजीव जाते हैं यहाँ बैठा है, मुझे पूछो किसी, मैं आपको बताऊंगा. सो प्लीज सपोर्ट हर, प्लीज लव हर एंड एंजॉय हर इयररिंग्स एंड हर सूट्स बिकॉज़ शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी. थैंक यू सो मच राजीव, माय थैंक यू प्लेजर, सो यू मच. टेक केयर.